नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में कवर करेंगे हम प्रमुख विदेशी यात्री और उनका भारत वर्णन, साथ ही उनके द्वारा लिखित कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में भी जानेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, कई सारे एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, मेगा स्थनेज द्वारा लिखित पुस्तक इंडिका किस वंश पर प्रकाश डालती है? तो सही जवाब है दोस्तों, ए मौर्य वंश। दोस्तों, इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में पूर्ण विवरण लिखा गया है। अगला सवाल है, मेगा स्थनिज किस शासक के दरबार में आया था? तो सही जवाब है दोस्तों, ए चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगा स्थनिज किसका राजदूत था? तो सही जवाब है सी सेल्यूकस निकेटर का। अगला सवाल है, सिकंदर महान के साथ कौन सा या से लेखक भारत आए थे? तो सही जवाब है दोस्तों, डी इनमें से सभी। सिकंदर के साथ भारत निर्याकस, आनेसिक्रेटस और अस्टोबुलस, ये तीनों विद्वान भारत आए थे। अगला सवाल है, ईरान का वह कौन सा राज्य वैद्य था जिसका भारत संबंधी विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से भरा था? तो सही जवाब है दोस्तों, बी टेसियस। दोस्तों, टेसियस का भारत विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से भरा हुआ है, इसी कारण यह स्रोत अविश्वसनीय माना जाता है। अगला सवाल है, वह लेखक जिसने हिस्टोरिका नामक पुस्तक में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस संबंध का वर्णन किया है वो है? तो सही जवाब है दोस्तों, ए हेरोडोटस। दोस्तों, हेरोडोटस को इतिहास का पिता भी कहा जाता है। अगला सवाल है, बिंदुसार के राज दरबार में कौन सा यूनानी यात्री आया था? तो सही जवाब है दोस्तों, सी डाइमिकस। अगला सवाल है, डाइमिकस जो बिंदुसार के दरबार में आया था किसका राजदूत था? तो सही जवाब है दोस्तों, बी एंटियोकस का। दोस्तों, एंटियोकस सीरिया का राजा था और इसी का राजदूत डाइमिकस बिंदुसार के राज दरबार में आया था। अगला क्वेश्चन है, मौर्य सम्राट अशोक के दरबार में आने वाला यात्री कौन था? तो सही जवाब है दोस्तों, ए डायोनीसियस। दोस्तों, डायोनीसियस मिस्र नरेश टॉलमी फिलडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के राज दरबार में आया था। अगला सवाल है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आने वाला चीनी यात्री कौन था? तो सही जवाब है दोस्तों, ए फाहियान। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के दरबार में आने वाला चीनी यात्री कौन था? तो सही जवाब है दोस्तों, बी वेन सांग। अगला क्वेश्चन है, वेन सांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? तो सही जवाब है दोस्तों, सी आचार्य शीलभद्र। अगला सवाल है, सी यूकी नामक ग्रंथ किस यात्री ने लिखा है जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है? तो सही जवाब है दोस्तों, वेनसांग। वेनसांग हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। अगला क्वेश्चन है, 7वीं सदी के अंत में भारत आने वाला चीनी यात्री कौन था? तो सही जवाब है दोस्तों, सी इत्सिंग। दोस्तों, इत्सिंग ने नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का वर्णन किया है। अगला सवाल है, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला अरबी लेखक कौन था? तो सही जवाब है दोस्तों, बी अल बरूनी। अगला सवाल है, 6वीं शताब्दी में भारत आने वाला चीनी यात्री कौन था? तो सही जवाब है दोस्तों, डी संयुगन। संयुगन 518 ईस्वी में भारत आया था। अगला सवाल है, अल बरूनी द्वारा लिखित पुस्तक किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी गई है? तो सही जवाब है दोस्तों, ए अरबी भाषा। अगला क्वेश्चन है, किस तिब्बत यात्री के कंग्यूर और तंग्यूर ग्रंथ से भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है? तो सही जवाब है दोस्तों, ए तारानाथ। अगला सवाल है, 13वीं शताब्दी में कौन सा यात्री पांड्य देश की यात्रा पर आया था? तो सही जवाब है दोस्तों, बी मार्को पोलो। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।